स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैजिकल स्टडीज। आज हम डिस्कस करेंगे स्कीमा, एकोमोडेशन और असिमिलेशन के बारे में। एकोमोडेशन मींस समंजन और असिमिलेशन मींस आत्मसातकरण। अब ये प्रोसेस क्या होती है, इनको अच्छी तरह से डिटेल में समझेंगे ताकि हमारे जो भी सीटेट के एग्जाम्स में या टीचिंग एग्जाम्स, जो काफी सारे टीचिंग एग्जाम्स जो पूछे जाते हैं, उनमें सब में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को आपको जरूर मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म, दैट इज स्कीमा। जो स्कीमा होती है हमारी प्रीवियस नॉलेज होती है, हमारी जो भी हमारी प्रीवियस नॉलेज जो होती है, पहले से हमारे अंदर जो नॉलेज किसी भी चीज के बारे में हो सकती है या कोई आउटलाइन किसी चीज के बारे में होती है या एक जनरल आइडिया जो हमारे दिमाग के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं स्कीमा, जनरल आइडिया। पर क्वेश्चंस में कुछ स्पेशल टर्म लिखी हुई आती है जिसको हम बोलते हैं मानसिक संरचना। मानसिक संरचना होती है एक तरह की, ये जिसको जनरलाइज किया जा सकता हो, जिसको सामान्यकरण जिसका हम कर सकते हो या जनरलाइज जिसको हम कर सकते हो, इस तरह का जो मानसिक संरचना या मेंटल स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम बोलते हैं स्कीमा। ये प्रीवियस नॉलेज है, जो किसी भी चीज के बारे में जो नॉलेज हमारे अंदर होती है उसको हम स्कीमा कहते हैं। जब एक टीचर पढ़ाना शुरू करती है तो स्कीमा को एक्टिवेट करने के लिए पहले कुछ क्वेश्चंस पूछती है ताकि वो जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है, जो उसकी पुरानी नॉलेज है, वो एक्टिवेट हो जाए और उसके बाद वो अपना आगे टॉपिक पढ़ाना शुरू कर देती है। तो इस तरह की जो प्रीवियस नॉलेज होती है उसको हम स्कीमा बोलते हैं। अब जैसे एक बच्चे के अंदर हमने बताया कि फोर व्हीलर एक कार है, फोर व्हीलर को हम कार कहते हैं। अब बच्चे ने देखा ये भी फोर व्हीलर ही है, इसके भी फोर व्हील्स ही हैं, उसको भी बच्चा कार ही कहने लगा। पर अब बच्चे को जब कंफ्यूजन क्रिएट हुई, फिर हमने कहा नहीं, ये कार नहीं, ये एक ट्रक है, ये कार नहीं है, ये ट्रक है। तब अब यहां से मतलब ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि ये आपने कहा था कि जो फोर व्हीलर है उसका नाम है कार, अब पर हमें तब समझाना पड़ेगा कि जो ट्रक है वो कार से बिग है और ये लगेज को ले जाने में काम आता है, सामान ढोने में काम आता है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा वो ट्रक होगा और कार और ट्रक के स्ट्रक्चर को हम समझाने की कोशिश करेंगे और उसको बताएंगे कि दिस इज द ट्रक, मतलब एक फोटो दिखाएंगे कि ये ट्रक है और ये कार है। तब उसके अंदर वो डिफ्रेंसिएशन वो कर पाएगा और वो अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर पाएगा, बढ़ा पाएगा और वो समझ जाएगा कि ये ट्रक है और इसके अंदर बिग होना चाहिए, वो कार से बिग होगा, लगेज लेके जाएगा और उसका जो स्ट्रक्चर जो है अकॉर्डिंग टू फोटो वो भी अलग है। पर अब इस प्रीवियस नॉलेज में, उसकी प्रीवियस नॉलेज थी कि जो फोर व्हील्स होते हैं वो कार होते हैं, ये उसकी स्कीमा था, ये उसका स्कीमा था। पर अब जब ट्रक से, जब हमने सिर्फ ट्रक की नॉलेज दी तो वो पहले एक बार असंतुलित हो गया या हम कह सकते हैं डिसइक्विलिब्रियम में आ गया वो। जब ये डिसइक्विलिब्रियम में आ जाता है बच्चा, तब अब उसके अंदर काफी सारी कंफ्यूजन है कि ये, अब हमने सिर्फ अभी नाम बताया है कि ये कार नहीं ये ट्रक है, तब अब वो बच्चा असंतुलित हो गया, ठीक है। पर जब हमने उसकी उसकी और करेक्टरिस्टिक्स बताई कि ये इस वजह से इसको ट्रक कहा जाता है और इस वजह से इसको कार कहा जाता है, तब उसका जो असंतुलन था वो संतुलन बन गया। मतलब अब जब नॉलेज उसकी और बढ़ गई तब वो संतुलित हो गया, अब उसको बात समझ आ गई अच्छी तरह से, अब वो संतुलित हो गया, इक्विलिब्रियम की स्टेज में आ गया, ठीक है। अब ये इक्विलिब्रियम की स्टेज में आ गया। तो ये जो प्रोसेस जो होती है, प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन, ये जो प्रोसेस हो रही होगी, प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन या प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट, प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन या प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इज नोन एज, प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इज नोन एज समंजन। स्कीमा हो गई प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज बनाने से पहले,
असिमिलेशन मीन्स जो हमने नई नॉलेज बच्चे को दे दी कि दिस इज ट्रक, मतलब ये असिमिलेशन हो गया, ये न्यू नॉलेज जो बच्चे के अंदर आ गई वो हो गई असिमिलेशन। प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज बनाने के लिए पहले बच्चा एक प्रोसेस के थ्रू जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज एकोमोडेशन या मॉडिफिकेशन, एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस उसका निकल के आता है उसको समंजन कहा जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और हम समझ लेते हैं ताकि अगर कहीं कंफ्यूजन है तो वो भी क्लियर हो जाए। एक मदर थी, यहाँ पर देखते हैं, उन्होंने कहा कि बेटा छोटा बच्चा है, 4 से 5 साल का बच्चा है, अभी उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इतना मतलब पहचानने में भी नहीं, थोड़ा सा जैसे छोटे बच्चे होते हैं, 4-5 साल का बच्चा है। उसकी मम्मा ने कहा बेटा आज मौसी आएंगी। मौसी जी, जैसे ही मौसी का नाम लिया बच्चे के दिमाग में क्या आया कि बच्चा कि उनका तो बॉय कट है और वो थिन है, बहुत पतली सी है और बॉय कट है उनका, ये स्कीमा था उसका। अब जैसे ही मौसी आई उन्होंने देखा कि बॉय कट तो नहीं है, ये तो लॉन्ग हेयर वाली है, कोई लॉन्ग हेयर है और थिन भी नहीं, अब वो फैट हो चुकी है। तो बच्चे को कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। जैसे ही कंफ्यूजन क्रिएट होती है, छोटा बच्चा हो गया कि ये लॉन्ग हेयर और फैट से जो है ये मेरी मौसी है कि नहीं, कोई और तो नहीं। तो अब मम्मी ने बताया कि लॉन्ग हेयर और फैट होने की वजह से मौसी में थोड़ा चेंज आ गया है। तो अब उसको जो डिफरेंस समझ आया ना कि इस दो चीजों की वजह से वो चेंज नजर आ रहा है उनके अंदर, तो इस वजह से अब वो मतलब उसकी न्यू नॉलेज जो है अब बढ़ गई है। न्यू नॉलेज तो हो गई कि लॉन्ग हेयर और फैट की वजह से, और पहले वो डिसइक्विलिब्रियम में आ गया था, डिसइक्विलिब्रियम में जब था असंतुलित था, फिर उसको बता दिया गया कि नहीं ये मौसी ही है, थोड़ा चेंज है, तो वो इक्विलिब्रियम में आ गया और उसकी जो नॉलेज थी कि ये यहां से यहां पे चेंज हो गया। तो हम किसी भी चीज को, जैसे हम ये जो स्कीमा होता है वो पर्सन के बारे में भी हो सकता है, कोई सोशल भी स्कीमा हो सकते हैं, कोई इवेंट के स्कीमा हो सकता है, किसी भी चीज के स्कीमा हो सकता है। तो ये जो स्कीमा होता है वो हमारी प्रीवियस नॉलेज होती है, और उस प्रीवियस नॉलेज से जब हम न्यू नॉलेज ऐड करते हैं तो उस न्यू नॉलेज को हम बोलते हैं असिमिलेशन, आत्मसातकरण। ये जो आत्मसातकरण जो होता है वो भी हमारा चेंज इन मेंटल स्ट्रक्चर ही आता है। जब हम स्कीमा एक मेंटल स्ट्रक्चर होता है और उसके बाद जब न्यू नॉलेज आ जाती है तब भी आत्मसातकरण होता है। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे हम खाना जब खाते हैं, एक छोटे बच्चे को जब हम खाना खिला रहे होते हैं तो खाना हमें उस रूप में नहीं दिखता कि बच्चे के अंदर खाना है कि नहीं है, जो उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं उसके मसल्स में, उसकी मांसपेशियों में, उसकी हाइट में। इसी तरह से जब बच्चे को नई नॉलेज हम दे रहे होते हैं तो उसके माइंड में भी इसी तरह से स्ट्रक्चर्स में चेंज आता है। तो ये स्कीमा भी एक मेंटल स्ट्रक्चर है जिसमें पुराना मेंटल स्ट्रक्चर जो पुराने नॉलेज के साथ था, और असिमिलेशन एक ऐसा मतलब चेंज इन मेंटल स्ट्रक्चर आ गया है जो कि न्यू नॉलेज उसको प्रोवाइड कर रहा है। तो आज के हमारे ये टर्म्स क्लियर होंगे आई थिंक। तो आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट टाइम हम ऐसे ही किसी बढ़िया से नए से टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।